सो एक्चुअली रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, वी कैन से। ओके, तो उसमें बहुत सारा वैरायटी है। तो अगर हमको इस बात का आइडिया हो कि जो फंक्शन जो इन्वॉल्व है, जिसका हम रेंज निकाल रहे हैं, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो आइडिया होने से इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। सो देखते हैं जरा। सो लेट्स बिगिन विद, अगर कहीं पर हमको ये गिवन है कि एफ एट एक्स जो है कोई एक फंक्शन है और उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो लेट्स से 7 है, और एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लेट्स से 11, तो क्या इसका मतलब ये हो गया क्या कि रेंज ऑफ एफ एक्स रेंज ऑफ एफ एक्स इज 7 to 11, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स। नाउ व्हाट इज मिसिंग? अगर आप समझो कि जो हमारे पास में एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो बोल रहा है 7 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 11 है, ये पॉइंट हो गया 7 और ये पॉइंट हो गया वाई एक्सिस पर 11, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही नहीं है, भाई फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ना ऐसा होने के लिए, तो ये ट्रू तब होगा व्हेन इट इज़ मेंशन दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में अगर हमको आइडिया नहीं भी है, केवल अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये मेंशन होना ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। ओके, तो अभी अपन बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वन अगर हम बोलें, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको हम अप एरो से डिनोट करते हैं जनरली, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसको हम डाउन एरो से डिनोट करते हैं। अगर सपोज करो एक f1x फंक्शन है, दूसरा f2x फंक्शन है, और दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग है, तो हम बोल देंगे कि इनके सम से जो फंक्शन बनेगा वो भी इंक्रीजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं e पावर x प्लस lnx, तो आप देखो e पावर x का ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, e पावर एक्स, और एल एन ऑफ एक्स का ग्राफ अगर हम देखें तो वो भी इस तरह से होता है, ये पॉइंट होता है 0,1, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये होता है 1,0 एल एन एक्स, तो दोनों अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसी तरह से हम बोल सकते हैं पॉइंट टू, कि अगर एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है और एफ टू एक्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो इनके सम से जो फंक्शन होगा वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ई पावर माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स का बेस में 1/2, ई पावर माइनस एक्स हमें पता है कैसा ग्राफ बन जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है ना, और लॉग ऑफ एक्स जिसका बेस जो है वो 1 से छोटा होता है, तो बेस अगर 1 से छोटा होगा तो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बनता है, ये हमको पता है, तो इनसे जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट थ्री में कि अगर कहीं पर हमारे पास में माइनस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि e पावर x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो माइनस ऑफ e पावर x क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्राफ से हम देख भी सकते हैं e पावर x ये हो गया, एंड माइनस ऑफ e पावर x जो है एक्चुअली हमने क्या किया, ये एफ एक्स है, और माइनस ऑफ एफ एक्स के लिए हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास में माइनस ऑफ ई पावर एक्स, तो ये तो इंक्रीजिंग दिख रहा है लेकिन ये कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो माइनस ऑफ अगर इंक्रीजिंग है
फंक्शन, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इंक्रीजिंग है, और माइनस ऑफ डिक्रीजिंग का मतलब क्या बोला हमने, इंक्रीजिंग। सो दिस इज इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग एम्प्लाइज इंक्रीजिंग फंक्शन। इन सारे पॉइंट्स को अपन कहीं ना कहीं अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं। लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट सिक्स, कि इंक्रीजिंग फंक्शन प्लस डिक्रीजिंग फंक्शन, वी कैन नॉट से एनीथिंग इन जनरल, कैन नॉट से एनीथिंग इन जनरल, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, हमको करना पड़ेगा। जब अगर एफ एक्स और जी एक्स, मान लो ये एफ एक्स कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी एक्स जो है वो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, हमको कैलकुलेशन कुछ कुछ मैथमेटिकली उसको देख के सॉल्व करके बताना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड माइनस इंक्रीजिंग फंक्शन, तो भी हम वी कांट से। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इस केस में भी हम कुछ भी बोल नहीं सकते। इंक्रीजिंग फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीजिंग फंक्शन, तो भी हम कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, अब एक्स जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा बनता है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, सो वी कैन नॉट से। वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी कर सकता है, इंक्रीजिंग भी आ सकता है, डिक्रीजिंग भी आ सकता है, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग भी आ सकता है। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ एक्स कोई एक फंक्शन था, जी एक्स कोई एक फंक्शन था, तो एफ ऑफ जी एक्स जो है वो अपने पास में आ गया, लेट्स से 0.7, कि ये मान लो इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर जी एक्स जो है वो डिक्रीजिंग हो गया, तो वो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो हमारे पास में जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, प्लस माइनस की तरह मान लो आप, दोनों इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, दोनों डिक्रीजिंग है तो भी इंक्रीजिंग, और एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, और जिनको डेरिवेटिव का आइडिया है वो क्या कर सकते हैं, इसको चेन रूल अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके और फिर बता सकते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कुछ यूज़फुल पॉइंट्स हैं हमारे पास में। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जैसे कि एफ एक्स जो है वो आ गया हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस ई पावर एक्स। अब अगर साइन इनवर्स एक्स ग्राफ के बारे में नहीं पता है, तो अभी के लिए तो इतना पता होना ज़रूरी है कि जो इसका डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, रेंज जो है वो होता है -π/2 से π/2, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाता है। ये 0,0 से पास कर रहा है, ये हो गया π/2,
ये हो गया माइनस पाई बाई टू, ये हो गया माइनस वन और ये हो गया प्लस वन, ठीक है। और ई पावर एक्स तो सबको ही पता है, ई पावर एक्स ऐसा बन जाएगा हमारे पास में। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो एफ एक्स जो है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और जी एक्स जो है वो भी इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आप दोनों के ग्राफ से बोल सकते हो कि बोथ आर कंटिन्यूस ऑल्सो, बोथ कंटिन्यूस ऑल्सो, कहीं पे भी दोनों का ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। अच्छा इसका रेंज अपन को बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका डोमेन अगर हम देखें तो इसका जो डोमेन है वो तो माइनस वन से वन है और ई पावर एक्स का जो डोमेन है वो तो आर है। तो डोमेन क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, डी वन इंटरसेक्शन डी टू। सो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो आ गया हमारे पास में माइनस वन टू वन, ठीक है ना। तो ये तो जो दोनों फंक्शन है, ये तो फंक्शन जो है ये तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। तो डोमेन में भी ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया और इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड कंटिन्यूस है, एंड कंटिन्यूस। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेंज ऑफ एफ एक्स होगा, अगर एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है और इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ माइनस वन से एफ ऑफ वन होगा, इजी। तो अभी एफ ऑफ माइनस वन पर वैल्यू, तो एफ ऑफ माइनस वन इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन प्लस ई पावर माइनस वन। साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन ग्राफ से हम बता सकते हैं इजीली, ये ग्राफ है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है, ये पॉइंट है वन कॉमा पाई बाई टू, ये पॉइंट है माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाई टू। सो माइनस वन पर वैल्यू इज माइनस ऑफ पाई बाई टू प्लस वन बाई ई, एंड एफ एट वन इज साइन इनवर्स वन प्लस ई पावर वन। सो वी कैन से दैट दिस इज पाई बाई टू प्लस ई। सो रेंज ऑफ एफ एक्स नाउ इज वन बाई ई माइनस ऑफ पाई बाई टू टू पाई बाई टू प्लस ई। सो दिस इज रेंज ऑफ एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स प्लस ई पावर एक्स। तो अगर ग्राफ का जो बेसिक्स ग्राफ, जो बेसिक ग्राफ्स है उनका अगर हमको आइडिया है सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और सम देख लेते हैं अपन, लेट से हमको गिवन है फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस रूट ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका पहले डोमेन देख लें, इसका तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब कि जीरो से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू r प्लस। और अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये तो एक सर्कल का पार्ट है, मतलब अगर इसको हम y इज इक्वल टू रूट ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। तो ये जो सर्कल का जो पार्ट है उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा अपने पास में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ तो ये आ गया माइनस थ्री कॉमा जीरो, ये हो गया हमारे पास में थ्री कॉमा जीरो, ये वाला पार्ट इसका तो डोमेन आएगा माइनस थ्री से थ्री। लेकिन जब हम इन दोनों के डोमेन का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास में जो डोमेन ऑफ एफ एक्स आएगा वो आएगा हमारे पास में एक्स बिलोंग्स टू
जीरो पर तो ओपन एंड क्लोज एट थ्री। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ln x का जो ग्राफ है, ln x का ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, ये जीरो है और थ्री तक जाना है हमको मैक्सिमम, तो ये थ्री हो गया, ये पॉइंट है वन, तो थ्री पर ये वैल्यू हो जाएगा ln थ्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो रूट ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है वो तो ग्राफ ये आ रहा है बस, और यहाँ पर ज़ीरो पर हम ओपन कर देते हैं और थ्री पर ये ज़ीरो हो रहा है, तो ये कैसा ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो हमारे पास में ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, बट डिक्रीजिंग के आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि माइनस ऑफ दिस इज अ इंक्रीजिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एफ एक्स ऑफ इंक्रीजिंग माइनस ऑफ डिक्रीजिंग, तो माइनस ऑफ डिक्रीजिंग इज अ इंक्रीजिंग, सो ओवरऑल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल फंक्शन अगर हमारे पास में इंक्रीजिंग आ गया और दोनों फंक्शन हम देख पा रहे हैं कि जो डोमेन जिसमें हम देख रहे हैं जीरो से थ्री में दोनों जो हैं वो कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स जो है वो क्या आ गया, कंटिन्यूस और इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी रेंज ऑफ एफ एक्स हम बोल सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन हम बोल सकते हैं कि जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से थ्री पर क्लोज, ठीक है ना, जीरो पर तो ओपन है और थ्री पर क्लोज है। तो अभी हमारे पास में जो रेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा जीरो पर ओपन है तो एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ थ्री पर क्लोज। अब एक चीज और यहां पर थोड़ा सा लिमिटिंग वैल्यू की अगर हम बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये है कि हम x को जो है ज़ीरो की तरफ टेंड करा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम ज़ीरो तो डायरेक्टली नहीं रख सकते, तो बस इतना सा ही है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो एफ एक्स में जब हम ज़ीरो की तरफ टेंड कराएंगे x को, तो ये है ln ऑफ x में ज़ीरो की तरफ ये टेंड कर रहा है, तो ln जब ज़ीरो की तरफ मतलब ln में जब x ज़ीरो की तरफ टेंड करता है तो वो वैल्यू तो क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ज़ीरो पर जो हमारे पास में जो ये ग्राफ है ये ओपन है, ये है रूट ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ज़ीरो पर इसका वैल्यू तो थ्री होगा, यहाँ पर तो हम रख सकते हैं ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो जो है वो पार्ट ऑफ डोमेन नहीं है, तो ये थ्री की तरफ जा रहा है बेसिकली ये भी, तो माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस थ्री, सो ओवरऑल वैल्यू जो है वो तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी जब हम ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। तो और फिर एफ ऑफ थ्री जो है, एफ ऑफ थ्री जो है वो तो हम रख सकते हैं वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास में, एफ ऑफ थ्री पर जो वैल्यू है वो आएगा एल एन थ्री, क्योंकि ये पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड रेंज आ गया, रिक्वायर्ड रेंज वो आ गया हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से एल एन थ्री क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अगर हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का आइडिया है तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके।